तो अपराध क्षमा जो है वो फीलिंग से समाप्त कर दिया जाता है। अगर कोई अपराध प्रैक्टिकल न करे उसको प्रायश्चित कहते हैं। अगर फीलिंग नहीं होती तब उसका नाम अपराध, और उसका रिएक्शन होगा कि बार बार होगा, और जितनी तगड़ी फीलिंग होगी तो दोबारा अपराध नहीं होगा। ये पहचान है। क्षमा मांगने का मतलब है कि फिर से अपराध न करें। तो न करें तो हो नहीं सकता, लेकिन कम करेगा और कम हो जाएगा और कम हो जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। और जो फीलिंग नहीं होगी वो बढ़ता जाएगा। ऐसे डाकू बन जाते हैं लोग फीलिंग न करने से, तो बढ़ता जाता है। कोई पैदाइशी चोर डाकू थोड़े होता है। संग हो और चिंतन हो, दो चीजें खतरनाक है। खराब संग और पुरुष का चिंतन, ये ठीक है, ये ठीक है, यही ठीक है, यही ठीक है, यही ठीक है। एक बार हाथ मारो, एक करोड़ मिल जाए, तो रोज रोज के चक्कर में पड़े, आ गए चक्कर में, पर गए और उन्हीं के ऊपर हाथ मर गया, खत्म हो गए, नहीं पुलिस के हवाले हो गए। और एक बार हो गए पुलिस के हवाले, अब तो समाज में बदनाम हो ही गए, अब यही करो, क्योंकि लोग उसके ऊपर दृष्टिपात करते हैं खराब, हे चोर है, चोर है, चोर है, है सब चोर। चोरी का तरीका अलग अलग है, गुरु की चोरी वो तो बुरी नहीं है, बुद्धि की चोरी, किसी को कुछ बोलते देखा चुरा लिया, हम भी ऐसे बोलेंगे, उसको कुछ कपड़े पहने देखे हमने चुरा लिया, हम भी ऐसे पहनेंगे। खराब चोरी तो ये है, किसी के खिलाफ सोचा और वो आ गया, आइए आइए आइए, आपको तो भी आते ही नहीं, ये एक्शन करना है। असल में लॉटरी न जानने से अधिक गड़बड़ करता है मनुष्य, थियोरी न जानने से। अगर वो जान ले कि जितने दोष हैं उन सब का कारण है माया, जब तक माया है तब दोष रहेंगे। तो आप बुद्धि से और सत्संग से दबा दीजिए, लेकिन रहेंगे वो, खत्म तो होंगे भगवत प्राप्ति। और दबी हुई चीज जो होती है वो, तो जिस चीज का दबाव है वो दबाव हटा के तो वो आ गया अपनी जगह पे। दोष जो है सब है सब में, लेकिन उसको हम रियलाइज नहीं करते, मानते नहीं, या इतना कम मानते हैं कि उसका असर नहीं होता। इसलिए अगर कोई कह देता है कि कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, मोही हो, आग लग जाती, अरे वो फैक्ट कह रहा है कि नहीं, हाँ है तो फैक्ट, फिर क्यों बुरा मानती हो, पता नहीं क्यों लग जाता है, बुरा बुरा लग जाता है मालूम है। तो हर समय अगर फिलॉसफी को, थियरी को, तत्व ज्ञान को साथ रखते, ये जो कुछ कह रहा है सब सही है, गलत क्या है, तुम बड़े स्वार्थी हो, अरे स्वार्थी तो सारा ब्रह्मांड है, कौन स्वार्थी नहीं है, गलत क्या है तू, बल्कि अपने स्वार्थ को हम जानते भी नहीं, इतने हम ना समझे, क्योंकि मटेरियल स्वार्थ को स्वार्थ मानते हैं, स्पिरिचुअल स्वार्थ हमारा स्वार्थ है। स्व प्लस अर्थ, स्व माने अपना, अपना माने मैं का, मैं माने आत्मा, आत्मा का अर्थ स्वार्थ है। हम शरीर के अर्थ के पीछे भाग रहे, गलत स्वार्थी, स्वार्थी होना ही चाहिए।
फिर उसने स्वार्थी कहा तो क्यों बुरा लगा? पता नहीं क्यों। तो तुम कितने मूर्ख हो? मैं हूं तो। तू तो कोई मूर्ख कहे तो बुरा क्यों मानते हो? पता नहीं क्यों। इतना बड़ा आश्चर्य है कि गुरु के कहने पर भी फीलिंग होती है लोगों को, और तो होगी संसार में।